जब भी कोई यूट्यूबर बनना स्टार्ट करता है, शुरू करता है अपना जर्नी यूट्यूब का, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है अगर देखा जाए तो आपके आस पड़ोस गांव घर। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल एलएलपी ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को आज ऐसे यूट्यूबर से मिलवाने वाला हूँ जिनका चैनल का नाम है नायक ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज मैं फाइनली आप लोगों को नायक भैया से मिलवाने वाला हूँ। जो नायक भैया की वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है और अच्छे से कंटेंट में वीडियो बनाते हैं। तो मैं खुद नायक भैया का वीडियो देखता हूँ और देख के मेरे अंदर मोटिवेट भी आता है, और उन्हीं का वीडियो देख के मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आया है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को फाइनली नायक भैया से मिलवाने वाला हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम फाइनली नायक भैया ब्लॉग के पास आ चुके हैं मिलने के लिए। तो अभी आप लोगों को मैं मिलाने वाला हूँ नायक भैया से, तो चलिए दिखाते। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को मिलाने वाला हूँ नायक भैया ब्लॉग के पास, तो भाई आइए मिलते हैं। तो ये देखिए भाई लोग, तो फ्रेंड्स अभी हम नायक भैया ब्लॉग्स के पास मिलने के लिए आए हैं, और अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे सामने भैया खड़े हैं, और हमको विश्वास भी नहीं हो रहा है कि अभी हम नायक भैया के पास आ चुके हैं। तो आप लोग इधर देख सकते हो कि भैया इधर खड़े हैं, और ये रहा भैया का शॉप। देखिए भैया का मोबाइल का एक शॉप है, भैया से कुछ बातचीत करने वाला हूँ। तो भैया, आप जैसे कि आपका यूट्यूब में 80,000 लगभग में सब्सक्राइबर पार हो चुका है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और सबसे पहले कि आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से ही आज मेरे चैनल पे 80,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। तो जैसे कि आपका 80,000 तो पूरा कंप्लीट हो गया है, और आपको यूट्यूब के करियर कब शुरू किया था? मेरा आज से लगभग 2 साल पहले, मतलब कहा जाए तो 2020 में मैंने इस करियर को शुरू किया था, और आज 2022 है, और धीरे धीरे ये निरंतर आगे जारी भी रहेगी हमारी YouTube जर्नी। तो फ्रेंड्स, मैं नायक भैया का वीडियो खुद देखता हूँ, और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है, और भैया का वीडियो देख कर मेरे अंदर इतना मोटिवेशन आया है। और आप लोग भी देखिए भैया का वीडियो, बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट में भैया वीडियो बनाते हैं, और देखने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम खुद देखते हैं मेरे भाई। और मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि नायक भैया का भी सब्सक्राइबर लगभग में 80,000 प्लस हो चुका है ना भाई, 80,000 प्लस हो चुका है। और आप लोग का सपोर्ट और दुआ अगर रहेगी तो भैया का जल्दी से सिल्वर बटन भी आ जाएगा, और अगर आप लोग का दुआ रहेगा तो मेरा भी लगभग 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा, और चैनल भी मोनेटाइज हो सकता है अगर सपोर्ट है पब्लिक का। तो जी जी, आप लोग भी जरूर भाई को सपोर्ट करें, और जल्द से जल्द इनका 1,000 सब्सक्राइबर करने में थोड़ा सहयोग भी करें, ताकि बंदा बढ़िया से काम कर सके यूट्यूब को लेकर के। और मेरे चैनल पे भी लगभग 20,000 सब्सक्राइबर कम हो रहे हैं, जो 1,00,000 होने में, अगर 1,00,000 हो जाता है तो मुझे भी सिल्वर प्ले बटन मिल जाएगा। तो बस प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा हमारे प्रति और इनके प्रति। तो भैया, जैसे आप जब यूट्यूब का करियर शुरू किए थे तो बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना किए होंगे? देखिए, जब भी कोई यूट्यूबर बनना स्टार्ट करता है, शुरू करता है अपना जर्नी यूट्यूब का, तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है अगर देखा जाए तो। आपके आस पड़ोस गांव घर में, घर के भी लोग, बहुत सारे लोग हैं जो आपको साथ नहीं देते हैं, लेकिन जब आपका जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, जब आप यूट्यूब में ग्रो करते हो, तो फिर वही लोग आपका नाम और तारीफ भी करना शुरू करते हैं। बात तो सही है। और जैसे आप शुरू शुरू जब वीडियो बना रहे होंगे, तो गांव में आपका दोस्त तो बहुत क्यों बोलता है ये क्या कर रहा है क्या नहीं, बहुत क्यों बोलता होगा, आपको सुनने में खराब भी लगता होगा, लगता था कि नहीं? तो इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, देखिए जब आप कोई भी काम का शुरुआत करोगे ना, तो सबसे पहले लोग, अगल बगल का लोग या दोस्त यार या कोई भी रहे, वो तो आपको डिमोटिवेट करेगा ही करेगा। लेकिन आप एक चीज समझ लीजिए कि आप एक बहुत अच्छे काम को करने के लिए जा रहे हो, आप खुद को मोटिवेट करो और खुद से प्रेरणा लो और आगे काम करते रहो, तभी जा करके आप किसी भी काम में अव्वल आ सकोगे और इस काम को सफल बना पाओगे। तो फ्रेंड्स, मेरा अंदर जितना भी मोटिवेशन आया है सब नायक भैया की देन है। मैं इनका वीडियो देखता हूँ, और देख के हमको भी लगा कि क्यों ना हमको भी एक ब्लॉग चैनल बनाए, और भैया का वीडियो देख करके हम ब्लॉग चैनल बनाए हैं। आपसे हम एक अंतिम सवाल करना चाहते हैं कि जो न्यू क्रिएटर है, जो नया नया यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले न्यू क्रिएटर को यही कहना चाहता हूँ कि आप पेशेंस रख के अपने काम को करें, और लोग क्या कहते हैं और अगल बगल क्या कहता है इस चीज को इग्नोर करें, क्योंकि
आपको खुद ही पता है कि जब आप इस मुकाम पे आए हैं तो आपको बहुत सारे लोग बरगलाते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे वैसे इस टाइप का अजीब अजीब बातें करते होंगे, लेकिन उनको नहीं पता रहता है कि आप क्या करने के लिए जा रहे हो। इसलिए अपने काम को बखूबी अंजाम दीजिए और लोगों की बातों को परवाह मत कीजिए। और आप लोगों से एक निवेदन रहेगा कि भाई का चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे जो भी ऑडियंस अगर इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो भाई भी काफी मेहनत करते हैं, तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इनके वीडियो को प्यार दें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।